बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कीबोर्ड और माउस के अलावा भी हमारे पास काफी सारे इनपुट डिवाइसेज अवेलेबल होती हैं, जैसे माइक्रोफोन या माइक। इसमें हम अपनी कमांड को बोलकर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। अब तो गूगल जैसे सर्च इंजन्स भी आपसे कमांड्स को बोलकर ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव से भी आप डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। डेटा या जानकारी या निर्देशों को भेजने के लिए आप सीडी या डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस का अर्थ उन डिवाइसेस से है जिससे आप परिणाम देख सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया जाता है, परिणाम तैयार किया जाता है, उसको आप आउटपुट डिवाइसेस पे देख पाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहली और प्रमुख डिवाइस है मॉनिटर या एलसीडी। आप कंप्यूटर से जो भी वीडियो आउटपुट प्राप्त करते हैं उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, जैसे कि कोई फोटो, पिक्चर, वीडियो इत्यादि। आउटपुट डिवाइसेस में दूसरी प्रमुख डिवाइस है प्रिंटर। यदि आप कुछ कागज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंटर मुख्यतः तीन प्रकार के उपलब्ध है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यदि आप किसी कंप्यूटर की फाइल को पेन ड्राइव या डीवीडी में प्राप्त करते हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और यदि आप उसी फाइल को प्रिंट निकालकर पेपर पर प्राप्त करें तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यहाँ पे हम तीनों तरह के प्रिंटर्स की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में मुख्यतः छोटी छोटी कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बैंकों में नॉर्मली इन्हीं प्रिंटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन डलता है। तीसरे प्रकार का प्रिंटर हमारे पास लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर लेजर से आधारित टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। यदि आप कोई वीडियो आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप बड़ी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। उसके लिए आप प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले परिणामों या वीडियो या चित्रों को आप प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप किसी तरह की आवाज सुनना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं या कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें आवाज है, तो आप स्पीकर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो कार्य किया जाता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर अपनी जानकारी को रखने के लिए मेमोरी का प्रयोग करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर सभी कमांड्स को और डेटा को रखने के लिए रैम का प्रयोग करता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी ही रैम कहलाती है। कंप्यूटर की गति काफी हद तक रैम पर निर्भर होती है। यदि आपके कंप्यूटर में रैम ज्यादा होती है, आपके कंप्यूटर के कार्य करने की गति भी ज्यादा हो जाती है। कंप्यूटर मेमोरी में दूसरे प्रकार की मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। कैलकुलेशन करने के पश्चात जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसे यदि आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप उसे हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क जुड़ी रहती है जो सेकेंडरी मेमोरी की तरह कार्य करती है। इसमें आप किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं और बाद में कभी भी उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप किसी एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लाना या ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेन ड्राइव या सीडी और डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को हम कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से क्लिक करके कमांड देते हैं। कंप्यूटर इन सभी कमांड्स को और डेटा को रखने के लिए रैम का प्रयोग करता है। जैसे ही आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने के पश्चात जो आउटपुट या रिजल्ट आता है और जिसे आप बाद में देखना चाहते हैं, तो आप उसे हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। जो जानकारी आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए आप हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस रहती है जो हमेशा कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती है। इसी तरह से यदि आप किसी एक कंप्यूटर की फाइल को दूसरे कंप्यूटर में लाना या ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेन ड्राइव या डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं।